चांद निकला है तुझे ढूंढने पागल की तरह, रात फैली है तेरे सुरमई आंच की तरह, चांद निकला है तुझे ढूंढने पागल की तरह, रात फैली मर्दा दे वादे झूठे, झूठा होंदा प्यार वे, झूठा होंदा प्यार वे, करके मोहब्बत कल जांदे हाल वे, की एतबार हो एडी कुट के ना फड़ मेरी बां, मैं था मर जानिया वे, मैं था मर जानिया, हाए हाए जदो होली जई लेने मेरा ना, जदो होली जई लेने मेरा ना, मैं था मर जानिया वे, मैं था मर जानिया, हाए हाए जदो होली जई लेने मेरा ना। बात में यकीन रखती है कि वो वादा ही क्या जो वफा हो जाए, वफा हो जाए। इन्होंने बड़े अरसे से हमारे साथ वादा किया हुआ था, लेकिन अपनी गुनागु मसूफियात की वजह से ये वक्त नहीं निकाल पा रही थी, और आज बिलाखिर उन्होंने वक्त फड़ी। और मोना आपको बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। सबसे पहले जी आपका शुक्रिया, आपने इस काबिल समझा अपने चैनल पे आप हमारा इंटरव्यू कर रहे हैं, नहीं तो संत की वजह से मिलता तो है नहीं, तो ना ही कोई मिलना चाहिए। यस, मून का ताल्लुक चूंकि लाहौर से है, तो मून के मुंह से जो पंजाबी जुबान है वो गायकी में तो जाहिर है, ये पंजाबी को खासतौर पे जब मैडम के गीत गाती हैं और पुराने उनके गीत ऑडियंस सुनती है तो वो इतना महसूस होते हैं कि बात औकात उनको लगता है कि मैडम खुद गा रही हैं। और यकीनन एक सिंगर के लिए ये बहुत बड़ी दाद होती है कि उसको वो जिसको पसंद करता है अगर उसके अंदाज में गाए और उसे पसंद किया जाए। मून, थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को अपने कैरियर के सफ़र के बारे में बताइएगा कि कहाँ से शुरू किया। अंदरून लाहौर से ताल्लुक? जी बिल्कुल, अंदरून से है ताल्लुक, और जट बरादरी है और रंधावे जट उत्तराखंड, और इसके बाद फैमिली सपोर्ट के साथ मैंने गाना स्टार्ट किया। उस्ताद अनायत अली खान साहब पटियाला घराना से थे, उनसे गाना सीखा, कोशिश की सीखने की। तबला हारमोनियम प्ले कर सकती हूँ। अच्छा। हाँ, मगर प्रोफेशनली नहीं। अच्छा, बस मतलब आपने सीखा है? बिल्कुल, उन्होंने सिखाया, मैंने नहीं सीखा, नहीं था उन्होंने सिखाया। अच्छा। उन्होंने कहा था कि मार नहीं खाएंगी कितने। अच्छा। हाँ, वो कुछ बातें ऐसे करते थे कि मिथिया कूड़ मान नहीं होता। अच्छा। तो उसकी समझ नहीं आती थी, क्योंकि मैं जब फोर्थ क्लास में थी, स्कूल गोइंग थी, तब मुझे गंडा बंद शिगिर्द करवाया। अच्छा। उससे पहले मेरी सिस्टर गाती थी और वो भी, उन्होंने भी उनसे सीखा था। अच्छा। मैंने भी उन्हीं से सीखा, बट उन्होंने मेरी दफ़ा जो था मुझे अपने बेटों की तरह, अपने बच्चे की तरह मुझे उन्होंने सिखाया। आज अगर मैं किसी मुकाम पर हूँ तो उनकी वजह से हूँ, मुझे उन्होंने बहुत सपोर्ट की। उसके बाद आप सीखने से कहें तो मेरे उस्ताद ने सपोर्ट की, और अगर गाने के लिहाज से कहें कि प्रोफेशनली बीइंग अ प्रोफेशनली सिंगर, मुझे मेरी बहनों ने। अच्छा। और मेरी माँ ने मुझे सपोर्ट की। जब मैं कहीं जाती थी एज ए सिंगर, मेरे साथ मेरी वालदा जाती थी या मेरी बहन जाती थी। इस तरह स्ट्रगल करते 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 आज आफ्ताब के साथ मैं बैठी हूँ और वो मुझे मून परवेज कह रहे हैं। नहीं तो आपकी बहन को इतनी सपोर्ट क्यों नहीं मिली? नहीं नहीं, उसको सपोर्ट थी। अच्छा। बट वो एक होता ना, एक रूह है जो ना। अच्छा। मेरे साथ ही कहते थे जज्बा नहीं, उसमें उस वो चीज उन्होंने। अच्छा। उनके बकौल वो। अच्छा। नहीं करती थी। अच्छा। उसमें कॉन्फिडेंस लेवल बड़ा लूज। अच्छा। था, बट मुझे मेरे उस्ताद जी ने जब सिखाना शुरू किया, वो कभी अपने जो सीनियर्स होते थे या जूनियर्स होते थे उनको लेके आते थे कि मेरे शिगिर्द सुनो, उनके मुताबिक मैं उनके सामने गाना स्टार्ट हुई। तो एक टाइम आया जब उस टाइम में जब मैंने स्टार्ट किया तब मैदान होते थे अंदरून शहर में, मैदान लगते थे और बड़े बड़े उस्तादों के शागिर्द आके गाते थे कोल म्यूजिक दा कोल। हाँ जी, तब वो फड़ लेंदे थे फटाफट कि किन्ना के सीखी बची बची
पत्नी या बच्चा। ठीक, ये उस्ताद का भी इम्तहान है जी। हाँ जी बिल्कुल, उसके शागिर्द ने इतने बड़े लोगों में उस वक्त देखे ना, तो उन्होंने मुझे ही आगे किया। आप इतनी पुरानी तो नहीं लगती मुझे। नहीं नहीं, मैं बड़ी पुरानी जी। उस वक्त मैं एक्चुअली मेरी उस वक्त एज जो थी आई थिंक 9th class में थी। अच्छा, पर वो प्रोफेशनल नहीं था, वो सिर्फ अपने शागिर्दों को इंट्रोड्यूस करवाना था। उस वक्त मैं जब मैंने अपने गाना स्टार्ट किया और उसके बाद जब उस्ताद जी घर में मेरा क्लासिकल सुनाने के लिए लेके आते थे, तो वो कहते थे उन्हें ऐसे हो गए तुसी सिखाना है। वो बंदा दोबारा नहीं आया, क्योंकि मेरे उस्ताद जी को अल्लाह पाक ने इतना हुनर दिया हुआ था कि उनके वालिद की और उनके जो बड़े हैं उनकी सबकी पिक्स जो हैं, उनकी रिकॉर्डिंग्स जो हैं रेडियो में पड़ी हुई हैं, लगी हुई हैं PTV में लगी हुई हैं। तो मैं बड़ा फील प्राउड करती हूँ कि मैं उनकी शागिर्द। अच्छा, म्यूज़िक समेत बहुत से शोबे ऐसे हैं जहाँ आपको बहुत अच्छे उस्ताद दस्तयाब होते हैं और आपकी अपनी कोशिश और मेहनत जो है वो आपको सीखने में मददगार साबित होती है, लेकिन जब आप प्रोफेशनल करियर में जाते हैं तो क्या बड़े उस्ताद का नाम आपके लिए मददगार साबित होता है? अगर तो बंदा हलाली हो ना तो उसके लिए उस्ताद का नाम है। अच्छा, जो आजकल की जनरेशन है हमारी वो तो नाम लेना भी पसंद नहीं करती। म्यूजिक भी मैंने दिया है, लिरिक्स भी मैंने लिखे हैं। सीखा भी नहीं होता ज्यादा उन्होंने? नहीं, तो वो तो कहते ने ना यूट्यूब। हाँ, यूट्यूब उस्ताद कौन है? जी मेरी, मैंने फलानी CD से सीखा। जी मैंने यूट्यूब गूगल से सीखा। हाँ जी, बस वो उस्ताद होते हैं, फिर उसका नाम कैसे लेंगे वो? ठीक है, गॉड गिफ्टेड भी एक चीज होती है, जो होती है उस पे आप जितना गुड़ पाओगे मीठा। बिल्कुल, वो जाहिर है आपकी मेहनत उसमें शामिल हो जाए तो आप। लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान में फ़नून लतीफ़ा बिलखसूस अदाकारी और गुलकारी में आपको बहरहाल प्रोफेशन फील्ड में किसी सरप्रस्त की, किसी गॉडफादर की ज़रूरत रहती है, तो आपको भी ऐसा कोई गॉडफादर मैसर आया? नहीं जी, मुझे कोई नहीं मिला। अच्छा, मुझे ऐसा कोई गॉडफादर नहीं मिला जो मुझे सपोर्ट कर सके मेरी फील्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। अच्छा, दोस्त कुछ और चीज़ है, स्पोर्ट कुछ और चीज़ है। अच्छा, मैं कहती हूँ कि जितनी स्ट्रगल हर बंदा करता है, ये नहीं मैं अपनी बात करूँगी, मैंने शायद बहुत की है, कर 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 के अपनी स्ट्रगल को यहाँ तक लेके आई हूँ। हाँ वाकई अपना हाल कर लिया कि आज मैं आफ्ताब साहब ने नहीं, आप मतलब आपने क्लासिकल की बात सीखा। यकीनन हमारे व्यूअर्स सुनना भी चाहेंगे और हम अपने व्यूअर्स को आपकी उन छुपी हुई खूबियों के बारे में भी चाहते हैं आगाह हों, क्योंकि नॉर्मली हम देखते हैं जब शोज में तो वो फरमाइशी प्रोग्राम और बहुत कम ऐसे लोग हैं जो आपकी उन खूबियों की तरफ तवज्जो देते हैं। इसमें आपकी ख्वाहिश भी होती है कि लोग इसकी फरमाएं, तो आपको क्लासिकल की फरमाइश आती है? नहीं, बहुत कम है, या लोग जानते ही नहीं कि मून परवेज क्लासिकल भी जानते हैं? मैं आपको एक बात बताऊं, अवेयरनेस नहीं है हमें। अच्छा, आजकल के सुनवाइयों में ना अवेयरनेस नहीं है क्लासिकल की। ये जो सुनते हैं ना लोग वो संडूड के जमाने के होता है। अच्छा, मगर वो सुनते हैं। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही, ऐसे ही। आजकल आपने इब्रार गा दिया, आतिफ असलम गा दिया, वो तो आपका कमर्शियल शोज है। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही। बट अगर आपने महफिल करनी है, गेट टुगेदर जिसको कहते हैं वो करनी है, उसमें भी आजकल नहीं है। अच्छा, कि आप अब मुझे कोई कहेगा रात फैली है तेरे सुरमई आंचल की तरह, या मुझसे पहली सी मोहब्बत, बहुत कम लोग हैं जो चले। अगर आप समझे कि एक फरमाइश आ गई फौरी तौर पे, अच्छा, रात फैली है या दूसरा कोई और जो आपका पसंदीदा हो। मुझे तो मैडम के सारे गाने बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि मेरी कोशिश होती है कि 1 रुपया ना गावा, चलो 5 पैसे गा दिया, बड़ी बात वर्गा नहीं, उनका नहीं बिल्कुल, हो सकता बिल्कुल ऐसे। जो वो गा गई है वैसा कोई भी नहीं गा सकता, लेकिन उनकी गायकी के करीब करीब या हक तो अदा करना बहरहाल नहीं जी, हक भी बंदा वही अदा करता है जो सीखा हो। तो हम भी यही चाह रहे हैं कि हमारे व्यूअर्स आपके इस हुनर से भी आगाह हों। अच्छा, कि मून परवेज सिर्फ स्टेज पे बल्कि उसके बारे में भी बात करेंगे, जो आपकी परफॉर्मेंस के दौरान वो आपने वो कहाँ से सीखा वो उसका भी पूछेंगे। नहीं जी, एक गजल है मुझे बहुत पसंद है और उम्मीद करती हूँ आपके व्यूअर्स जो देख रहे हैं उनको भी अच्छी लगेगी। चांद निकला है तुझे ढूंढने पागल की तरह, रात फैली है तेरे सुरमैया चल की तरह, चांद
तुझे ढूंढने पागल की तरह रात फैली। वाह जी वाह, माशाल्लाह जबरदस्त। देखे मून, पागल तो बहुत होंगे लोग आपके पीछे। नहीं जी, पागल नहीं होते। ये आजकल का ऐसा दौर जा रहा है कि जिसमें आपको फील करवाया जाता है कि हम आपके पीछे पागल हो गए। आंख हो जल पहाड़ हो जल, आप आंख से ओझल हो जाए तो अगले पीछे पागल हो जाएंगे। मतलब वैसे तो कमी नहीं है, लेकिन कुछ लोग हुस्न परस्त होते हैं। आजकल नहीं है, आजकल हर परस्त होते हैं। हकीकत पसंद होना चाहिए। मैं आपके व्यूज को बता दूं, हकीकत पसंद होना चाहिए और उसको फेस करना चाहिए। सो मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ, जो देख रहे हैं आप इस बात को ध्यान में रखिए, जो आंख के सामने है ना बस वही अच्छा लगता है। जो आंख उज्जवल हो जाएगा ना, ये अच्छा लगेगा। आंख के सामने आप मौजूद है। हाँ, उतनी देर तक ये अच्छी है। मैं नहीं, कोई इब्तदा में जब आपको बहुत ज्यादा चीजों के बारे में, लोगों के रवैयों के बारे में, लोगों के अंदर क्या है उसके बारे में आगाह नहीं होते और आप सीखने के अमल से गुजर रहे होते हैं, तो एज भी ऐसी होती है कि बाज़ औक़ात बंदा किसी की ऐसी मोहब्बत में गिरफ्तार हो ही जाता है। तो अच्छा। उस वक्त सीधा कहो ना, मोहब्बत हुई है नहीं, या कईयों को आपसे हुई है, तो कैसा कैसा आपका एक्सपीरियंस हुआ? चले कईयों का, कईयों में से कोई एक सुना दे। देखिए जी, मोहब्बत जो है ना आजकल की जो है वो ऐसी होती है, ये जेन्युइन बात है, इसको कोई माने ना माने। क्योंकि अगर मैंने आपको धोखा दे दिया ना, एग्जाम्पल वो खिंच के रख के बैठ जाता, अच्छा इन्हें दिता सी उनमें आगे दम, रिवेंजफुल हो जाता। इसी तरह वो चेन बन जाती है। आजकल के दौर में मोहब्बत नहीं है। अच्छा, किस दौर में थी? जदों में आई सी, तब की कोई बात। उस वक्त एक वाकया है मेरी जिंदगी में बड़ा अच्छा, जिसको मैं बड़ा एंजॉय करती हूँ और डर भी गई थी उस वक्त। अच्छा। क्योंकि मैं बहुत यंग थी, टू मच यंग, तो मुझे एक लड़के ने, टू मच यंग से मुराद मतलब मुंह थोड़ा छोटा था? नहीं, पिंडा भी छोटा ही सी। अच्छा। नहीं मतलब बिफोर आप कह सकते हैं कि 15-16 चौदहवीं का चांद थी, आफ्ताब तो... हो जो भी हो, तुम खुदा की कसम ला जवाब हो। अच्छा। नहीं, उस दौर में ना मैं, क्योंकि स्कूल गोइंग थी, परफेक्ट। अच्छा। में थी और ऐसी कुछ घर में ऐसे आ गए हालात के आपको जाना पड़ गया। और जब मैंने उस बंदे को देखा, वो बंदा इतना पागल था, इतना पागल, वो मेरे गाने पे पागल नहीं था, ये मैं बता दूं आप लोगों को, वो सिर्फ मेरे किंदर हादसे ते रह गया थी। माशाल्लाह। मैनू क्या है कि मुझे, मैं तेरा गाना नहीं अच्छा लगता, मैनू कुछ नहीं अच्छा लगता, सिर्फ तेरा हादसा अच्छा लगता। क्लियर करता है, ठीक ठीक है ना, समझना कि खूबसूरती गाना, आपकी हंसी अभी भी वैसी है। नहीं जनाब, जिंदा आफताब साहब, नहीं ताड़े सामने तो हुन फिक्के पै गए। नहीं, हमने जब आपको पहली दफा देखा और आपका जो कहका है, जो आपकी हंसी है वो अंदर से है, दिल से है। बिल्कुल। अच्छा, उसी किस्से की तरफ। अच्छा जी, उसने मुझे प्रपोज किया और उसने मुझे कहा कि मैंने अपनी मीनू तेरी फोटो दिखा। ये तो बड़ी शरीफाना तरीका है। और फोटो कैसे दिखाई है कि जो उस वक्त तो ये मोबाइल सामने, वो लेके आया उसने पिक बना ली कहीं, तो मुझे नहीं पता, वो घर में भी सेंड कर दी, मेरे यमीन ते कमरा भी पाता है ते पूरी तैयारी। हाँ जी, बस तुसी हाँ करनी ते सिया कर ले। क्या बात। मैं कह, मैंने उसको उस वक्त, क्योंकि मेरी शादी नहीं हुई, मैंने उसको झूठ बोला कि मेरी शादी हो गई है, मेरे 3 बच्चे हैं उस वक्त। अच्छा। कि मेरे मगरों लाते जाना। अच्छा। और वो कह रहा है कि नहीं, मैनू यही चाहिए, यही चाहिए। गैस पाइप के साथ उसने यहाँ पे मून लिखा, गैस पाइप के साथ, और बकायदा वो हॉस्पिटल रहा 2 दिन, उन्हें होश ही नहीं आई, उन्हें कीता की। ये वाक्य ऐसा है जो मैं शायद ही कभी भूलू। नहीं तो वो फिर कैसे भूला आपको? मैनू तो भूलिया ही भूलिया सी, उन्हें पूछो जाके वो किवें भूलिया। लेकिन ये उसके बाद उन्होंने कोशिश नहीं की? नहीं नहीं, उसके बाद मैं वापस पाकिस्तान आ गई ना। अच्छा, ये बाहर का वाक्य? हाँ, ये मस्कत का था। मस्कत का वाक्य है, तो आप उसकी वजह से वापस आ गए? नहीं नहीं, मेरा टाइम पीरियड था, फिर मैं वापस आ गई। अच्छा, आप बैरून मुल्क भी जाहिर है आपका जाना होता है। जी बिल्कुल। तो मैं उसी खास स्टेप की बात करूँ,
कहूँगा जो आप स्टेज पे परफॉर्म करती हैं वो खास रेलिवेंट है, तो वो आपने दारिस्ता सीखा या वो कुदरती आपके अंदर आ गया था? मैं उनको ये बता दूं कि मैंने मुझे डांस का कोई शौक नहीं। हाँ, जब मैंने ये पाकिस्तान में किया था फर्स्ट टाइम, तो मुझे लोगों ने काफी वो क्या कहते हैं उर्दू में तनकीद की थी, जी आप सिंगर हैं, आप ये हैं, आप वो हैं, आपको तो हिलना नहीं चाहिए, आपका हाथ सिर्फ हिलना चाहिए मैडम की तरह, एक्सप्रेशंस होने चाहिए। देखिए जी, मैंने पहले भी कहा मैडम कोई नहीं बन सकता, आपने अपनी जब पहचान बनानी है आपने उसी तरह परफॉर्म करना। मुझे जो लगा अच्छा, मुझे ये अच्छा लगा कि मैं हल्का परफॉर्म करके, गाना होता है कि मेरी नजर में किसी को समझ आ जाना। बिल्कुल, वैसे भी सीडी थोड़ी लगी है, लाइव गा रहे हैं ना आप, इन्वॉल्व सीडी वाले भी लोग जो है ना वो जैसे गा रहे हैं वो आपको पता है, आपके व्यूज को भी पता है, वो ऐसे पकड़ा जाता है कि वो ट्रैक पे गा रहा है, बट मैं ट्रैक पे नहीं गाती। और मुझे पर्सनली ये जो मैंने अपना एक स्टाइल बनाया है ये मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगता है, और शायद आज के दौर में शायद कई लोग मुझे कॉपी करते हैं, क्योंकि मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक मुझे बाकायदा बताया जाता है कि फलानी कुड़ी नहीं सी, उन्होंने क्या है कि मैं फलानी सिंगर को सीखी है, तो मेरे लिए कहां से सीखा वो स्टाइल, या आपने बस सिर्फ तवज्जो दी और वो आ गया? देखिए जी, आप हॉलीवुड देख लें, बॉलीवुड देख लें, किसी भी जगह पे आप देख लें किसी को भी, तो मैडम भी एक अंदाज से अगर गाती थी ना, तो वो चाहे नीचे से वो मूवमेंट नहीं करती थी, बट उनके एक्सप्रेशन, उनके हाथ की मूवमेंट, उनके स्टाइल, वो चीज आप कॉपी कर सकते हैं। हाँ, ऊपर से मैं कहूंगी, मैंने आपको कहा मैडम, और नीचे से अगर मैंने दो स्टेप मार ली है ना, तो आप उसको डांस में नहीं काउंट कर सकते, और शकीरा भी नहीं कह सकते। नहीं नहीं, शकीरा वाला तो मैं जिस स्टेप सीखा नहीं, व्यूज मैं आपके लिए जरूर सीखूंगी, अगले इंटरव्यू में मैं आपके लिए जरूर करके दिखाऊंगी। व्यूज, मून के साथ बहुत सी बातें और भी की जा सकती है, लेकिन हम चाहते हैं कि मून की इस मौजूदगी का फायदा उठाएं। और मून, आपने जो मैडम गानों का आपकी कामयाबी में बहुत बड़ा हाथ है, और हमारे व्यूअर्स को कोई ऐसा गाना फिल्मी या मैडम का दूसरा गैर फिल्मी जो आपको लगे कि वो आपके दिल के बहुत करीब है? अच्छा, मुझे क्योंकि मेरा नेचर कुछ ऐसा है कि मैं हंसने के बगैर नहीं रह सकती, और मुझे मैडम के वो जो चुलबुले से गाने हैं, और हाँ कई टाइम मैं सुन लेती हूँ, आप जब थोड़ा सा मेंटली डिस्टर्ब होते हैं दुखी से गाने सुन लेती हूँ, बट ज्यादातर ऑलमोस्ट मैं उनके ऐसे गाने सुनती हूँ जैसे कि सानू नहर वाले, और जदों होली जई, और जदों होली जई में जो है ना उनकी एक शेर है वो मैं आपको जरूर सुनाऊंगी, फिर सुनने वाले ने बुरा नहीं मनाना कि मैंने क्या मैडम ने क्या सी, मैं सिर्फ उन्हें रिपीट कर रही हूँ। मरदा दे वादे झूठे, झूठा होंदा प्यार वे, झूठा होंदा प्यार वे, करके मोहब्बत कल जांदे हाल वे, की एतबार हो एडी कुट के ना फड़ मेरी बां, मैं था मर जानिया वे, मैं था मर जानिया, हाए हाए जदो होली जई लेने मेरा ना, जदो होली जई लेने मेरा ना, मैं था मर जानिया वे, मैं था मर जानिया, हाए हाए जदो होली जई लेने मेरा ना। कमाल है जी, व्यूअर्स आपने इस गाने को ज़रूर इंजॉय किया होगा। मून, इसमें जो हाय है वो जड़ी पैनी किसे थे? व्यूअर्स, आपने यकीनन मून की इस गुफ्तगू को बहुत इंजॉय किया होगा, आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।